मूर्ति से एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि जो अवेयरनेस है, क्या अवेयरनेस से भी बियॉन्ड जा सकता है, कि अवेयरनेस का भी कोई एक अलग डिफरेंट डायमेंशन है। अगर मैं बात कहूं तो अभी फिलहाल मेरी जो रिंग लाइट है वो खराब हुई पड़ी है, तो इसलिए आपको इसी से ही काम चलाना पड़ेगा, इसलिए वीडियो की क्वालिटी इतनी सही नहीं है। और मैं सच बताऊं तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है रिंग लाइट खरीदने के। कोर्सेस भी जो मैं लॉन्च करता हूं वो भी अभी फिलहाल इतने नहीं बिक रहे हैं, बिक नहीं रहे का मतलब क्या है कि बिक ही नहीं रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो सहयोग कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं खुशी खुशी, और हेल्प कर सकते हैं मेरी, ताकि मैं इस चैनल पर और ये जो मैं कृष्णमूर्ति की सीरीज़ है, अष्टावक्र की सीरीज़ जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं कंटिन्यू रख पाऊँ। तो आप लोग चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कॉज में। अगर आपको मेरी इंटेंशन सही लग रही है, क्लियर लग रही हैं, ट्रू लग रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप उस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर मुझको मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आपसे बने एक बार जरूर डोनेट करें। तो यस, कृष्णमूर्ति से प्रश्न किया जाता है कि क्या किसी और प्रकार की सजगता भी है, क्या सजगता का कोई अन्य आयाम भी है अवेयरनेस का, ऑब्जर्वेशन का। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हम इस पर सावधान रहें, हमें ये एकदम स्पष्ट रहे कि हम यह प्रश्न किसी प्रयोजनवश नहीं पूछ रहे हैं, कोई प्रयोजन तो नहीं है इस प्रश्न को पूछने का, कोई पुरानी मेमोरी तो नहीं है इस प्रश्न को पूछने की, क्या एम है मेरा इस प्रश्न को पूछने का। अभी कृष्णमूर्ति बता रहे हैं अगर कोई प्रयोजन है तो हम वापस संस्कारित प्रतिक्रिया के उसी जाल में फंसे हुए हैं। मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसके बारे में मुझे ऑलरेडी पता है, वो वर्ड्स, वो कहानियां, वो इंटेलेक्चुअल चीजें जो मैं बड़ी बड़ी बोल रहा हूं, ये सारी चीजें मेरे पास्ट से ही निकल रही है, मेरे विचारों से ही निकल रही है। और ये विचार ये जानना चाहता है कि इस विचार से परे है कुछ, और किसके माध्यम से जानना चाहता है, दोबारा से ही विचार से ही जानना चाहता है। तो क्या ये पॉसिबल है? कृष्णमूर्ति यहीं पर आपको इसलिए सावधान कर रहे हैं कि तुम्हारा प्रश्न जो आ रहा है वो विचारों से प्रभावित है, कंटामिनेटेड बाय थॉट्स, पास्ट से आ रहा है, अतीत से आ रहा है, तो उसी के जाल में हम फंसे हुए हैं। जब वह अवलोकनकर्ता, एनालाइजर या ऑब्जर्वर या थिंकर, वह देखने वाला समग्र मौन पूरी तरह शांत है, अगर जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसकी कोई चाह नहीं है, उसका कोई मोटिव नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है, एम नहीं है, उसकी कोई थ्योरी नहीं है, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, उसकी कोई इमेज नहीं है, और वह शांत कर नहीं लिया गया है, शांत नहीं किया गया है जबरदस्ती कि मैंने शांत कर लिया है, वह शांत है, तो निश्चित ही सजगता की एक भिन्न गुणवत्ता वजूद में आती है, एक भिन्न गुणवत्ता वजूद में आती है, बहुत मतलब डीप। इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब आप एक ऐसी ऑब्जर्वेशन में होते हो कि जिस ऑब्जर्वेशन में आपके विचार पूरी तरह से शांत होते हैं, आपका मन पूरी तरह से शांत होता है, टोटली साइलेंट, तो कृष्णमूर्ति इस चीज को कहते हैं कि देन इमेजरेबल कम्स इनटू बीइंग, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कि जो अनंत है ना, एक आपके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन खुलता है, एक अलग आयाम, आप कह सकते हैं कि समथिंग विच इज टाइमलेस, समय के परे, एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, नॉट द फिजिकल वर्ल्ड। जब आप अपने कॉन्शियसनेस की कंटेंट जो आपका है, आप उसको लेकर पूरी तरह से अवेयर हो जाते हो, उसके रिएक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें आ रही हैं उससे अवेयर होते हैं, और आपका ऑब्जर्वर खत्म हो जाता है,
और जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर खत्म होने का मतलब यह है कि जो ऑब्जर्वर है उसका कोई प्रयोजन ना रहे, उसको मैं जानबूझ के शांत नहीं कर रहा हूं, वो ऑलरेडी शांत ही है, देन देयर इज एन इमेंस एनर्जी, एक्सप्लोसिव एनर्जी विच इज कंप्लीटली बियॉन्ड। और आप देखो जरा इस चीज को, महसूस करो इस चीज को, अभी इस वक्त आप करके देख सकते हो, इफ यू आर रियली, आप अपने आप पर जोर नहीं डाल रहे हैं, आप फोर्स नहीं डाल रहे हैं, बस आप थॉट्स को पास होने दे रहे हैं, थॉट्स अपने आप इंक्वायरी कर रहे हैं और करके निकल जा रहे हैं, और आप किसी थॉट को पकड़ नहीं रहे हो, किसी थॉट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, किसी थॉट से कुछ कह नहीं रहे हो, मन में जो भी चीजें आ रही हैं, आपने अपने आप को पूरी तरह से थॉटलेस कर दिया है, आपने पूरी तरह से एमलेस कर दिया, कहीं ना जाना है नहीं ना आना है आपको, देन यू आर क्वाइट इन दिस वेरी मोमेंट, एंड इन दिस क्वाइटनेस, इसी क्वाइटनेस में, इसी शांति में, इसी मौन में तुम्हारे सारे संस्कार, तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारी प्रोग्रामिंग सब गिर जाती है, तुम इनोसेंट हो जाते हो, तुम फिर तुम कांटेक्ट नहीं करते इमेजरेबल से, अनंत से, या जिसको गॉड कहा कृष्णमूर्ति ने, वो कांटेक्ट करता है तुमसे, दैट कांटेक्ट्स यू, और विच इज दी टोटली अनएक्सप्लेनेबल, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चीज को, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन अ ट्रुथ, जब आपने सारे रास्ते, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, कोई पाथ बचा ही नहीं आपने, देन देर इज अ साइलेंस, एंड दिस साइलेंस इज प्योर, एट लास्ट। तो आप लोग चाहें, मैंने बताया था कि डोनेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं मेरी इस चीज में, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।